इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2023 के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2023 के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्ट 11 की चर्चा करूंगा। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 10 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा शाम को 4:45 बजे आपको इसी तरह राजस्थान करंट अफेयर के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलती है और 7 PM पर आपको आरएएस में पूछे गए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब पार्ट 11 में मैं चर्चा करूंगा 501 नंबर से क्वेश्चन की, क्योंकि 1 से लेकर 500 तक की क्वेश्चन की चर्चा मैं ऑलरेडी आपके 1 से लेकर 10 तक पार्ट में कर चुका हूं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। 501 नंबर का क्वेश्चन है, ICC के सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो ICC के सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है ऑस्ट्रेलिया, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड। तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का जो खिताब है वो भारत ने जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय सिन्हा, राजीव सिन्हा, सचिन अरोड़ा, सुशील कुमार। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव सिन्हा को नियुक्त किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? कैस्पर रूड, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, मैक्स वर्स्टपन। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो हमारी भाषा हमारी विरासत नामक एक प्रदर्शनी का शुभारंभ भारत के राष्ट्रीय अभिलेखा द्वारा किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन लिमिटेड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? वी अनंत रामन, अजय बंगा, VR सुब्रमण्यम, श्री MV नायर। तो क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन लिमिटेड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वी अनंत रामन को नियुक्त किया गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का निर्णय लिया है? असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो हाल ही में राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का जो निर्णय लिया है वो हिमाचल प्रदेश ने लिया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो हाल ही में किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है मेघालय राज्य ने, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड जीता है? रोजर फेडरर, मैग्नस कार्लसन, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड है वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गर्ग, अमित अग्रवाल, पराग अग्रवाल, विवेक कुमार। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अमित अग्रवाल को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई। तो G20 विकास मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो आपके वाराणसी में आयोजित किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई मंथ 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? शुभमन गिल, बाबर आजम, हैरी टेक्टर, विराट कोहली। तो मई 2023 मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है वो आयरलैंड के खिलाड़ी हैरी टेक्टर को चुना गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया?
डेविड बेकम, पीटर एल्बर्ट्स, यवन मंजीमाकुला, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस अध्यक्ष के रूप में चुना गया पीटर एल्बर्ट्स को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली इसी तरह सीरीज देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? करीना कपूर, शिल्पा शेट्टी, स्मृति मंदाना, रश्मिका मंदाना। तो हाल ही में एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया रश्मिका मंदाना को, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ का डीजी किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गर्ग, नितिन अग्रवाल, दिव्यांशु शर्मा, विवेक कुमार। तो बीएसएफ का डीजी है वो नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया। तो हाल ही में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम आपकी रही है दक्षिण कोरिया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। और विजेता कौन रही है इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एस किशोर, जगदीश कुमार, हेमांग कुमार, सुबोध कुमार सिंह। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और उप विजेता रहा है भारत, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? इगा स्वियातेक, कैरोलिना मुचोवा, मारिया शारापोवा, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महिलाओं में फ्रेंच ओपन का जो खिताब है वो इगा स्वियातेक ने जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? गुरबचन सिंह रंधावा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीटी उषा, जीव मिल्खा सिंह। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है गुरबचन सिंह रंधावा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खोला गया? राजस्थान, नागालैंड, असम, हरियाणा। तो हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय आपके नागालैंड राज्य में खोला गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है? अभिवन पुरोहित, केरन अगाजी, एडम क्लार्क, अक्षय सिन्हा। तो स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर बना है बांग्लादेश का केरन काजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च लॉन्च किया है? अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो मिशन ऑन एडवांस और हाई इंपैक्ट रिसर्च लॉन्च किया अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो हाल ही में पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा हरियाणा राज्य ने की है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ब्राज़ील, इटली, उरुग्वे, फ्रांस। तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का जो खिताब है वो उरुग्वे ने जीता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में कौन सा देश शीर्ष पर आए? श्रीलंका, अमेरिका, भारत, चीन। तो 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में आपका भारत देश है वो शीर्ष पर है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई मंथ का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? दीप्ति शर्मा, थिपचा पुथुआवांग, नरुमोल चेवई, हरमनप्रीत कौर। तो मई 2023 का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया थिपचा पुथुआवांग, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून, 14 जून, 13 जून, 12 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वेजल लार्ज युद्धपोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? संशोधक, भीम, साधक, अजय। तो चौथे लार्ज युद्धपोत का नाम है संशोधक, करेक्ट आंसर हो जाएगा संशोधक, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिप्री की ईयरबुक 2023 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु वाला देश कौन सा है? जापान, रूस, चीन, अमेरिका। तो सिप्री की ईयरबुक 2023 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु वाला देश है रूस, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है? जापान, रूस, चीन, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका सीनेट पैनल ने विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है चीन को, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा। तो सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन आपके राजस्थान से शुरू हुई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली इसी तरह करंट अफेयर देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। सॉरी, ए नहीं बी, राजस्थान आपके बी ऑप्शन में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात कौन सा बना? बिपरजॉय, गाजा, मौका, आसनी। तो हाल ही में अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात बना है बिपरजॉय, जो कि हाल ही में राजस्थान गुजरात में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून, 15 जून, 17 जून, 16 जून। तो विश्व मरुस्थलीकरण दिवस आपके प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ पे गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? दुबई, लंदन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लंदन में, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लंदन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। तो हाल ही में भारत सरकार ने बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है, हिमाचल प्रदेश राज्य, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कौन सा स्थान है? 15वां, 24वां, 8वां, 45वां। तो फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का स्थान है 45वां, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। तो पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में आपका गुजरात राज्य है वो शीर्ष पर पहुंच चुका है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इंडियन मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, कलाम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, या पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 20 जून, 22 जून, 21 जून। तो विश्व शरणार्थी दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, श्रीलंका पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। तो 2023 का आयोजन आपके पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। मिजोरम दो बार आ चुका है। तो उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज आपके मिजोरम में ही की गई है, ए और डी दोनों सही है क्योंकि दोनों आपके ऑप्शन सेम है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुई? मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, मिजोरम। तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हाल ही में पुणे में संपन्न हुई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया? असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हेमंत कुमार, सुधांशु पंत, अरुण गोस्वामी, अतुल कुमार। तो नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया सुधांशु पंत को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गबोन को कृषि सेज परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, पुरुषोत्तम रूपाला। तो हाल ही में गेबोन की कृषि सेज परियोजना को हरी झंडी धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक की पुस्तक ने 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, शशि थरूर, रामचंद्र गुहा। तो हाल ही में 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो करेक्ट आंसर रामचंद्र गुहा हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गेल लिमिटेड के विपणन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा, राजीव कुमार, दीक्षित जोशी, संजय कुमार। तो गेल लिमिटेड के विपणन निदेशक के रूप में संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको मॉर्निंग में 11 बजे देखने को मिलेगी, 4:45 बजे राजस्थान करंट अफेयर देखने को मिलेगी और 7 PM पर आपको RS में पूछे गए GK के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।